हेलो एवरीवन, मैं निकहत परवीन खान कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डील करेंगे। भारतीय इतिहास में जो भी प्रोबेबल सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादातर चीज़ें मैंने अपने हिस्ट्री के पूरे लेक्चर सीरीज़ में कवर की हुई हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हिस्ट्री पूरी तरह से एक फैक्चुअल टॉपिक होता है, कई ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हम पढ़ाते वक्त कवर नहीं कर पाते। और मैंने बार बार आपको इस चीज़ की ताकीद भी की कि जो अगर आपने ढांचा समझ लिया है तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ज़रूर अपनी किताबों से या कोको की बुक से या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की किसी किताब से ज़रूर देख लें। जितने एमसीक्यूज आप हिस्ट्री में सॉल्व करेंगे उस आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, है ना। हमने चीज़ें पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ी, वो सारे जो फैक्ट्स आपने हिस्ट्री के तहत पढ़े वो ज़्यादातर पूछे गए हिस्सों में से हैं। लेकिन फिर मैं बार बार दोहराती हूँ कि हिस्ट्री पॉलिटी से थोड़ा इस मामले में अलग है। पॉलिटी में आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो एक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जैसे आपको आ जाता है तो मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप बना लेते हैं, वैसे ही पॉलिटी में भी कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है, आपको बेसिक उसकी सारी बातें पता हैं तो आप बना लेते हैं। पर हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में ढांचा है, आपके दिमाग में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी उठा करके फैक्चुअल पूछता है, ठीक है। हिस्ट्री में भी पीएससी में दोनों ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और कॉम्बिनेशन क्वेश्चन भी आते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आते हैं। आप में से जितने लोगों ने पिछले कुछ पेपर्स दिए होंगे पीएससी या व्यापम के, उन्हें तो पता ही होगा, और जो नए हैं उनके लिए ही भी मैं बता रही हूं इस बात को कि इसमें अनलाइक पॉलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब पॉलिटी में कम ही ऐसा होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन हिस्ट्री में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बट ऐसा है कि वो हो भी सकता है आपके पढ़े हुए में से, हो सकता ना है। तो फिर मैं दोहराती हूँ कि जितने ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करें। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं थोड़े बहुत, मल्टीपल स्टेटमेंट, कथन कारण वाले, मैच द फॉलोइंग, सही गलत, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों ही सेक्शन से हैं, क्योंकि मैंने आपको पॉलिटी में भी ये कहा था कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं और हम ज़्यादा वीडियोस नहीं ला सकते। इस वजह से ये जितने भी वीडियोस हम आपके सामने रखेंगे वो एक मिक्स बैग होगा, यानी सारे टॉपिक से मिला करके एक तरह का एक फाइनल टेस्ट है आपका, एक फाइनल प्रैक्टिस है कि अगर आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फैक्चुअल बेस्ड है तो एक एक क्वेश्चन पर ज़्यादा वक्त भी मैं नहीं दूंगी, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है समझाने के। जो उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स अगर एक्स्ट्रा बताने के हैं तो मैं बताऊंगी, वरना अगर आपको वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया तो उससे जुड़ा जो भी मेरा लेक्चर हिस्ट्री का होगा उसे आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन जो है ये एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग सबसे फेवरेट पार्ट होता है पीएससी का, हिस्ट्री में एक ना एक आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन मिलेगा ही। और कि जैसे कि मैंने कहा एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो मैंने इसे कम से कम क्रम से रखा है, पहले एंशियंट है, फिर मिडिवल है, फिर मॉडर्न के क्वेश्चन सभी आपके सामने आएंगे। और ये क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए हुए हैं और सामने वहां से मिले जो भी साक्ष्य हैं, एविडेंसेज हैं, उन्हें दिए हैं, आपको इसको मैच करना है। आपको हमेशा मैंने लेक्चर में भी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब भी कोई साइट देती है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो वगैरह, उससे जुड़ा या तो कोई नदी का नाम पूछता है कि किस तट पर है, कब उसकी डिस्कवरी हुई, किसने डिस्कवरी किया, या फिर ये पूछता है कि वहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादातर आते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। तो भाई जोड़ें, जितने दौरान मैं इसको बता रही थी मेरे ख्याल से आप में से कई लोग आंसर दे चुके होंगे, तो चलिए अब हम मैच करके देखते हैं। तो लोथल एक बंदरगाह शहर है, हम सभी जानते हैं गुजरात में ये पाया गया था। और लोथल बंदरगाह इसका हमें पता ही इससे लगा था कि वहाँ हमें लकड़ी की नाव और गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड मिला। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन टू जो है गोदीबाड़ा है, तो यहाँ लोथल से गोदीबाड़ा के हमको साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा राजस्थान का एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और कालीबंगा रेगिस्तान में है, और वहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिला वो है प्लॉट फील्ड्स यानी जुते हुए खेत, ठीक है। मतलब ए का होगा टू, बी का होगा वन। उसके अलावा अगर हम धौलावीरा देखें तो धौलावीरा जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी कि जल संग्रहण प्रणाली के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो वहाँ से मिले हैं, जैसे कि यहीं से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता
एक आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है और इस वजह से हमें जो भी लिपि मिली इस वक्त की वो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। लेकिन फिर भी ये सभ्यता पढ़ना लिखना जानती थी, कुछ चीज़ें लिखती थी, भावचित्रात्मक लिखी में बोस्टोफेडॉन शैली में, ये हमको पता चला। वो पता कैसे चला? कुछ कुछ शिलालेख, कुछ कुछ इनकी लिखावटें मिली, तो जिसमें से वही हड़प्पन लिपि जिसकी बात मैं कर रही हूँ भावचित्रात्मक, का एक शिलालेख जिसमें 10 चिन्ह थे वो हमें मिला है धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से। तो इस तरह से फोर्थ इसका हो जाता है। और बनावली, बनावली जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस डेवलप्ड शहर था। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वगैरह ज़्यादा विकसित नगरी सभ्यताएं थी। बनावली को कहा जाता है कि थोड़ा सा ग्रामीण की तरफ इसकी सभ्यता का ट्रीटिंग ज़्यादा थी। ठीक है, तो बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में है ना, और धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। तो यहाँ पे अगर आप बनावली के साक्ष्यों को देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि वहाँ पर पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। कृषि प्रधान सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपको कई जगह पर टेराकोटा के कुछ बने हुए आकृतियाँ मिली, कहीं कोई देवी देवता की आकृतियाँ मिली, तो कहीं कुछ खिलौने मिले, तो कुछ प्रसाधन की सामग्रियाँ मिली, तो कहीं हल की आकृति। तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति हमको बनावली से मिले साक्ष्य के रूप में। तो बिल्कुल फैक्चुअल है इसमें, आप जितना पढ़ेंगे उतने क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो 3 इसको मैच करेगा, मतलब 2143 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के और जो दूसरे साक्ष्य हैं जो जगहों से मिले उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये वैदिक काल से संबंधित एक प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में, और ये पहले तो यूपीएससी में पूछा गया था, फिर पीएससी में पूछा गया था। तो ऋग्वेदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, और इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं या करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण मतलब हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मतलब हमें ऋग्वेद से पता चलता है कि ये लोग कवच का, यानी युद्ध में जो कवच का इस्तेमाल होता है और जो हेलमेट का इस्तेमाल होता है उसका यूज़ करते थे, पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा है, ऋग्वेदिक काल आर्यों को स्वर्ण चांदी और तांबा, यानी सोने चांदी और तांबे का ज्ञान था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे और लोहे का ज्ञान था। ये अपने आप में स्टेटमेंट धातुओं के नॉलेज के ऊपर है कि ऋग्वेदिक काल के लोगों को इन 3 धातुओं का ज्ञान था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इन दोनों धातुओं का ज्ञान था। अभी हमको परखना है कि सही कि गलत है ये स्टेटमेंट्स। तीसरा है, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया है ना ये, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि भाई ऋग्वेदिक कालीन जो आ रहे हैं वो घोड़े को डोमेस्टिकेट करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कहीं पर भी सभ्यता में घोड़े के कोई भी साक्ष्य हमको नहीं मिलते, ऐसा ये स्टेटमेंट कहता है। तो अगर आपने दोनों की सभ्यताओं के, अगर आपने आर्थिक स्थिति को देखा होगा, सामाजिक स्थिति को देखा होगा, एक होता है ना सोशल, अगर आपने सोशल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ दोनों सभ्यताओं की पढ़ी होगी तो आंसर ज़रूर कर लेंगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन से गलत है। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किसी भी तरह के आर्मर, कवच, हेलमेट, इस तरह के साक्ष्य कहीं से नहीं मिले। अगर आपने सभी जगहों से मिले साक्ष्यों को, इंपॉर्टेंट साक्ष्यों को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, लेकिन ऋग्वेदिक कालीन आर्यों में, ऋग्वेद में हमें पता चलता है कि युद्ध में इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को सोने चांदी और तांबे का ज्ञान था, सही है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे का ज्ञान था ये तो सही है, पर लोहे का ज्ञान गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था भाई, ये ताम्रकास युग था, इस वक्त लोहे की खोज हुई ही नहीं थी। लोहे की खोज तो करीब 1000 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, तो ताम्रकास युग है, उसके बाद लौह युग आया तब लोहे की खोज हुई। तो इस सभ्यता के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, तो भाई घोड़े के बारे में ऐसा है कि ऋग्वेद काल में
बाद में जब ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल अगर आप देखते हैं तो घोड़े का इस्तेमाल होता है, ये हमको पता चलता है, ठीक है, वहाँ तक कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा रहता है कि इस बात का कोई साक्ष्य सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था, मतलब घोड़े के अस्तित्व का कोई साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता, ये पॉइंट गलत है। हालांकि हमें कोई ऐसा साफ स्पष्ट बात नहीं आती कि ये लोग घोड़े को डोमेस्टिकेट करते थे, लेकिन ऐसा है कि आप जानते हैं कि सूरकोतड़ा से घोड़े की हड्डी मिली, सूरकोतड़ा, ठीक है, सूरकोतड़ा से घोड़े की हड्डी मिली थी, तो साक्ष्य तो मिला है। ये स्टेटमेंट कहता है कि कोई साक्ष्य ही नहीं मिला, ये वाला जो लाइन है ना, ये इस स्टेटमेंट को गलत कर देती है। भले ही इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, इनका क्या इंपॉर्टेंस था इनकी लाइफ में, ऐसे कोई भी बड़े साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन सूरकोतड़ा एक ऐसी लौकती जगह है जहाँ से हमें घोड़े की हड्डी मिली है, तो साक्ष्य तो मिला है। इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि कह रहा है कि कोई साक्ष्य नहीं मिला, ठीक। तो सेकेंड गलत है और थर्ड गलत है, फर्स्ट सही, और आपको सही वाला बताना है, तो केवल एक, ए विल बी द आंसर, केवल एक, ठीक है, समझ में आई बात। तो दोनों ही तरह की सभ्यताओं के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन, धार्मिक जीवन पे जरूर आप फैक्चुअल नजर रखें, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जिसमें 4 मौर्य शासकों का नाम दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से कौन बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ, दिए गए कूट में से आपको सही कॉम्बिनेशन बताना है। तो एक तो आप बहुत ही इजीली बता लोगे, अशोक। हम सभी जानते हैं कि अशोक ने हृदय परिवर्तन की घटना के बाद, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, निग्रोध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये तो हम जानते हैं, तो ये तो सही है। उसके अलावा अगर आपको नहीं भी पता, तो अगर मान लीजिए दूसरा कौन है नहीं पता, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, इनके धर्मों के बारे में तो ज्ञान होना ही चाहिए ना। हमने पढ़ा है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को अपनाने के बाद श्रवणबेला गोला में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, है ना, संलेखना का पालन करते, तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे, तो ये नहीं हो सकते बौद्ध धर्म के अनुयायी। बिंदुसार की बात करें, जो अशोक के पिता थे, तो बिंदुसार जो हैं वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। पढ़े हमने इन चीज़ों को, नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर जाकर देखिए आप, जो भी एकदम नए और सीधा MCQ सॉल्व करने आए, या तो आपने खुद से पढ़ा होगा या मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, तब आप MCQ सॉल्व करें तो बेटर होगा, ठीक है। तो बिंदुसार जो हैं वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है, जो कि मकलीपुत्र घोषाल ने प्रवर्तित किया था आजीवक संप्रदाय को, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। बाकी बचे दशरथ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये दोनों हो, तो ये भी हैं, तो दशरथ जो हैं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगर इफैक्ट नहीं जानते तो जान लें कि मौर्य वंश में अशोक के बाद कुणाल और दशरथ दोनों ने भी बौद्ध धर्म को माना था, तो कुणाल ने भी अपनाया था, दशरथ ने भी अपनाया था, तो ये तीनों ही मौर्य वंश के 3 बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो इस तरह से 2 और 4 ये आंसर आ जाते हैं, कौन से ऑप्शन में देखिए, डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर को, उत्तर के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें, एक कोड के अनुसार, मतलब देखिए फैक्चुअल है ना हिस्ट्री में, मैं हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो मैं कोशिश की हूँ कि पॉलिटी में हमने क्या था 14-15 क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि वक्त ज़्यादा लग रहा था, एक एक में कंसेप्ट्स थे, यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स इंडिकेट कर सकूँ इन क्वेश्चन से, कि इस पार्ट से आता है तो उससे जुड़े और दूसरे MCQs भी आप देख लें इन क्वेश्चन के अलावा, तो एक्सप्लेनेशन में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, ठीक है। तो कनिष्क प्राचीन भारत में जो विदेशी राजवंश भारत में थे, उनमें एक राजवंश था यूची राजवंश, जिसको हम हिंदी में कुषाण राजवंश कहते हैं। उस कुषाण राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, और जब आप प्राचीन भारत में विदेशी राजवंशों को पढ़ते हैं, तो शायद कनिष्क इकलौता ऐसा राजा जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा जाता है, ठीक है। उनके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि उनके समकालीन इनमें से कौन प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, तो अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन, क्या होगा आंसर। देखो
कालिदास जो हैं, ये तो अगर आपने पढ़ा होगा गुप्त काल, तो आप जानते होंगे कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक थे, तो ये तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे गुप्त काल में। कंबन की बात करें तो कंबन जो है ना एक तमिल पोएट है, कंबन एक तमिल साहित्यकार, एक तमिल लेखक हैं जिन्होंने रामायण का तमिल में अनुवाद किया, इन्होंने तमिल रामायण लिखी है रामावतार नाम से, और ये भले ही 12वीं शताब्दी में थे लेकिन तमिलनाडु में थे, ठीक है। और कनिष्क की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत पहले थे, ये अगर हम कंबन की बात करें तो ये जो राजपूत टाइम चल रहा था, अर्ली मिडिवल टाइम, उस वक्त थे। और हम ये जो बात कर रहे कनिष्क की, अब कनिष्क का टाइम पीरियड एग्जैक्टली नहीं आता, तो आपको इतना तो पता होगा ना कि कनिष्क के समय 78 ईस्वी में शक समाज शुरू हुआ था, मतलब वो जो प्रथम शताब्दी चल रही थी तब कनिष्क का काल था, और कंबन जो है ये 12वीं शताब्दी ईस्वी के थे, तो इस तरह से ये मैच नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये दोनों तो नहीं है, बाकी बची बात अश्वघोष और वसुमित्र। जी हाँ, ये दोनों हैं, हम पढ़े हैं वसुमित्र और अश्वघोष दोनों ही जो हैं कनिष्क के दरबार में जो चार रत्न थे उनमें से दो रत्न हैं, दोनों ही बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, ठीक। वसुमित्र तो कनिष्क ने जो चौथी बौद्ध संगति आयोजित करवाई थी उसके अध्यक्ष भी थे, और अश्वघोष ने बुद्ध चरित नाम की एक फेमस बुक लिखी थी। तो दोनों प्रसिद्ध बौद्ध अनुयायी कनिष्क के दरबार में थे इसलिए उनके समकालीन थे, ठीक है। तो इस वजह से 1 और 2 आंसर होगा, देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है, सी आंसर होगा, सी, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में मूव ऑन करते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित करने वाले कूट को चुनिए, ठीक। हमने जब बुद्धिज्म पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जीवन की, उसे बौद्ध धर्म में कोई ना कोई धार्मिक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। मैंने एक चार्ट के जरिए आपको वो भी बताया, और साथ ही साथ उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको बौद्ध धर्म में कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसे महाभी निष्क्रमण कहा गया, जब उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, जब उनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो उसे भी आप ज़रूर देखें, और जीवन की घटनाओं से जुड़े चिन्ह भी आप ज़रूर देखें। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे ज़रूर बना लेंगे, एक ईजी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। तो बुद्ध का जन्म, बुद्ध के जन्म को इंडिकेट किया गया कमल से, गृह त्याग, उन्होंने जो रिनाउंस किया था होम को सेल्वेशन पाने के लिए, इसे घोड़े से इंडिकेट किया जाता है, ज्ञान प्राप्ति यानी जो संबोधि और निर्वाण की जो घटना है उसे बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष से इंडिकेट किया जाता है, वहीं उन्हें जो निर्वाण मिला है ये महापरिनिर्वाण है ना, ये वाला जो है ये महापरिनिर्वाण, निर्वाण नहीं, ठीक है, महापरिनिर्वाण जो मिला है, निर्वाण महापरिनिर्वाण में अक्सर कंफ्यूजन होता है, निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद जो निर्वाण मिला तो उसका तो वृक्ष ही है, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, तो महापरिनिर्वाण यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे इसको, महापरिनिर्वाण जो है इसका जो इंडिकेशन है वो पद चिन्ह से किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ए का होगा 4, बी का होगा 3, सी का होगा 2 और इसका होगा 1, 4, 3, 2, 1, कौन सा है भाई, बी, 4, 3, 2, 1 आंसर होगा बी। निर्वाण महापरिनिर्वाण को थोड़ा सा जांच लेना ना, देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो आए हुए हैं, तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपने से बनाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कभी कभी आए हुए हैं तो उसमें भी ऐसा लिखा हुआ, तो इट इज़ अ मिस्टेकन क्वेश्चन, तो वो एक्चुअली में महापरिनिर्वाण था, आंसर ये ही लिया है लेकिन उसे मृत्यु मान करके, बट निर्वाण मतलब मृत्यु नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। तो इट इज़ अ मिस्टेक हुआ है, ठीक। तो बी होगा आंसर, मैच द फॉलोइंग, समझ में, ठीक। बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़े बगैर आप जा ही नहीं सकते, खासतौर पर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ राजवंश दिए हैं और इस तरफ राजधानियां दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, और आपको मैच करना है।
परमार, सोलंकी, प्रतिहार, चोल, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तर गुप्तकालीन कुछ राजवंश हैं। कुछ तो आपको उत्तर गुप्त में जो राजवंश 5-6 हमने पढ़े थे वो दिख रहे होंगे, कुछ आपको राजपूतकालीन वंश दिख रहे होंगे, जैसे सोलंकी है, ये परमार हैं, ये राजपूतकालीन वंश हैं। तो मैंने आपको उस वक्त लेक्चर में एक्सप्लेन करते ही हुए बताया था कि कई इतिहासकार मगध काल के अंत के बाद यानी 550 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक ये पूरे को एक साथ पढ़ा, एक साथ लिख देते हैं किताबों में, यहाँ पे ये वंश था, यहाँ पे वंश था, यहाँ पे वंश था, ऐसा। लेकिन हमने उसको ऐसा बांटा था कि भाई 550 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में उत्तर गुप्त काल, जिसमें हमने 6 राजवंश पढ़े थे, फिर हमने 800 से 1200 ईस्वी के बीच में हमने राजपूत काल पढ़ा था। तो इसमें जो है ना, ये पूरे टाइम पीरियड यानी 500 से लेकर 1200 के बीच के कुछ राजवंश दिए और आपको राजधानियां मैच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश मतलब गुर्जर प्रतिहार, जो कि उस तरफ राजस्थान की तरफ था। गुर्जर प्रतिहार, कौन सी राजधानी थी इनकी? आप कहेंगे मैम उनकी राजधानी तो अनहिलवाड़ थी, चलो एक हम कहते हैं अनहिलवाड़। चोल वंश, जो द्वितीय चोल दक्षिण भारत में आए थे, इनकी राजधानी जो थी वो थी तंजौर, ए, ठीक है। परमार वंश, मध्य प्रदेश वाला जो परमार वंश था, मालवा वाला, उसकी राजधानी क्या थी? धार, सी। सोलंकी वंश, अब सोलंकी वंश राजपूतकालीन वंश वही था जो राजस्थान गुजरात में था, और उनकी भी राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़। तो आप कहेंगे मैम ये दो कैसे आ गए गुर्जर प्रतिहारों के भी? तो ऐसा है कि गुर्जर प्रतिहार ना उत्तर गुप्तकालीन राजवंश था, 550 से 800, उसके बाद वहां पर आ गए सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंशों की राजधानी अनहिलवाड़ थी, तो तय है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये जो कन्नौज बचा है, ये प्रतिहारों की राजधानी थी। वजह यह है कि अगर आपको याद होगा उत्तर गुप्त काल में सबसे मेन राजा था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, याद है? त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने और पालों ने, तीनों ने भाग लिया था। जिस त्रिपक्षीय संघर्ष को अंतिम रूप से जीता था राष्ट्रकूटों ने, लेकिन मैंने आपको बताया था कि फिर बाद में कन्नौज में रूल किया गुर्जर प्रतिहारों ने। तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी, तो आप इसे प्रतिहारों की राजधानी ले सकते हैं, ठीक है। और सोलंकियों की राजधानी हमेशा अनहिलवाड़ रही, ठीक ठीक। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार है उनके राजा फिर कन्नौज चले गए राजपूत एरा में, और वो वाले एरिया में सोलंकी आ गए थे। तो ये चीज़ आपको मैच करनी है मेनली। तो इस तरह से डी ए सी बी, द अ स ब, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। तो उत्तर गुप्त काल, पोस्ट गुप्ता एरा और राजपूत एरा में जितने इंपॉर्टेंट राजवंश और राजधानियां मैंने बताई थी, उनके फाउंडर्स बताए थे, उनके महत्वपूर्ण राजाओं के नाम बताए थे, और उस समय जो भी कंस्ट्रक्शन होता, खासतौर पे जो मंदिर बनाए गए थे, उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा फैक्चुअल मिसलिनियस चीज़ें इसी टाइम पीरियड से पूछता है, जो थोड़ी टफ जाती हैं, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं, अब हम यहाँ से आ जाते हैं मध्यकालीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े से डायरेक्ट रखे हैं मैंने, ये बताने के लिए कि क्वेश्चंस सिर्फ घुमाकर मैच द फॉलोइंग और लंबे लंबे नहीं रहते, कुछ डायरेक्ट भी रहते हैं, ठीक है। तो मध्यकाल में प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी प्राचीन से, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, ठीक। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। मंगोल आक्रमण सबसे पहले भारत में चंगेज खान के नेतृत्व में हुआ। आप सभी जानते हैं 1221 ईस्वी, यानी कि जैसे ही दिल्ली सल्तनत शुरू हुई भारत में, वहाँ से कुछ सालों के बाद ही भारत में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, और पूरा गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश तक के चंगेज खान के बेटे, उनके नाती पोतों ने आक्रमण किया। यानी कई बार भारत में आक्रमण हुए, पूरे दिल्ली सुल्तान चंगेज खान के और पूरे जो वंशज थे उनके द्वारा जो आक्रमण हुए भारत में, उसे काफ़ी परेशान थे। अपने अलाउद्दीन खिलजी के वक्त सुना, अपने मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त सुना कि मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो पूरी दिल्ली सल्तनत के वक्त जो मेन पीरियड था दिल्ली सल्तनत का, भारत में बहुत मंगोल आक्रमण हो रहे थे। क्वेश्चन ये पूछा है कि चंगेज खान ने जो पहली बार आक्रमण किया था वो कौन से राजा के टाइम किया था? वो बलबन था, फिरोज शाह तुगलक था, इल्तुतमिश था, या मोहम्मद बिन तुगलक? अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो उसका आंसर ज़रूर कर लेंगे। इसका आंसर है इल्तुतमिश, सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में।
इल्तुतमिश जब भारत का राजा था, तब मैंने आपको बताया था कि चंगेज खान ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा में आक्रमण किया। वहाँ का राजा था जलालुद्दीन मांगबरनी, और मांगबरनी ने मंगोलों से आक्रमण के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए इल्तुतमिश का रुख किया, यानी इल्तुतमिश के पास आया सहायता मांगने के लिए। लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को हेल्प करने से मना कर दिया। ठीक है, मंगोलों ने मांगबरनी के ऊपर आक्रमण किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। फिर मांगबरनी इल्तुतमिश के पास आया हेल्प लेने के लिए, पर इल्तुतमिश ने मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि उस वक्त दिल्ली सल्तनत की जो सैन्य क्षमता थी वह मंगोलों से लोहा लेने की नहीं थी, और इल्तुतमिश को अपनी सत्ता, अपनी सल्तनत को स्थापित करने के लिए मंगोल जो दुश्मन है उनसे लोहा लेने का दिल नहीं था। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि इस समय जब वो कमज़ोर हैं अभी वो मंगोलों से कोई भी लड़ाई लड़े। इस वजह से उन्होंने मांगबरनी से एक कूटनीतिक आप कह सकते हैं निर्णय लेते हुए उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया, और इस तरह से दिल्ली जो है चंगेज़ खान के आक्रमण से बच गई। लेकिन इतना है कि अगर हम पहला आक्रमण देखें भारत में कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो इल्तुतमिश के टाइम हुआ था। ठीक है, तो ये है सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? पहली बात तो बलबन के संबंध में पूछ रहा है और सही नहीं है पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उसने नियामते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही या गलत? गुलाम वंश का तीसरा वंश, बलबनी वंश का संस्थापक बलबन, याद आया? रिलेट कर पा रहे हैं? उनके बारे में हमने 4-5 चीजें पढ़ी थी इंपॉर्टेंट, याद करो। नियमत खुदाई या नायब खुदाई के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ये वही है थ्योरी ऑफ किंगशिप, जहाँ पे इन्होंने कहा कि राजा जो है वो खुदा की नियमत है, राजा जो है वो खुदा का भेजा सेनापति, नायब खुदाई इन खुदा का नायब। ठीक है, नियमत खुदाई इन खुदा की नियमत, और इस तरह से थ्योरी ऑफ किंगशिप इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की और राजा के दर्जे को बहुत ऊंचा कर दिया, और पैबो सजदा नाम की उन्होंने प्रथाएँ चलाई थी जिससे लोग राजा को इज्जत करते हुए उनके पैरों को चूमा करते थे और सजदा किया करते थे राजा के सामने। तो इन्होंने राजा की थ्योरी ऑफ किंगशिप लाई थी, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, सही या गलत? गलत, क्योंकि इक्ता सिस्टम को इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, ना कि बलबन ने। ठीक है, तो वैसे तो हमको हमारा आंसर मिल गया है, वो है ऑप्शन बी, बट बाकी के दोनों को भी हम परख लेते हैं। उसने तुर्काने चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया, बिल्कुल सही। इल्तुतमिश के वक्त ही एकता प्रणाली भी शुरू हुई थी और चालीसा या तुर्काने चहलगामी नाम का एक 40 लोगों का दल भी बनाया गया था जो विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान को सलाह मशवरा दिया करता था। जब भारत में शमशी वंश था उस वक्त बलबन भी उस तुर्काने चहलगामी का एक हिस्सा था, ये सब बताया है मैंने आपको। लेकिन बलबन ने वहाँ पर रहते हुए ये देखा कि तुर्काने चहलगामी के जो लोग हैं वो वर्तमान राजा को ही मारने की साजिशें रचते रहते हैं, और इस वजह से बलबन को तुर्काने चहलगामी सही नहीं लगती थी। साथ ही बलबन ने लॉ एवं रक्त नीति भी लाई थी जिस वजह से वो चाहता था कि अगर कोई भी विद्रोह इसके सामने होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ हिंसा के जरिए, वायलेंस के जरिए, ने तलवार की नोक पर वो दबा सके, उसके लिए सलाह मशवरा देने के लिए उसे किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं थी। कुल मिला के तुर्काने चहलगामी की इसे ज़रूरत नहीं लगी, वो एक राजा के लिए उल्टा खतरा बन रहा था, इसलिए उसने उसको समाप्त कर दिया, तो ये बिल्कुल सही है। लास्ट, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। ठीक है, तो इक्तेदारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ की, इस तरह से स्टेटमेंट गलत, और हमारा आंसर हो जाता है बी। ठीक है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ही बताना है, क्लियर? चलो क्वेश्चन 9 में मूव ऑन करते हैं। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आ रहे हैं अभी स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दे देता है, पहला सही है कि दूसरा सही है। ठीक है, ऐसा पूछता है, फिर दो स्टेटमेंट दे देता है, पहला दूसरा स्टेटमेंट को पहले तो इंडिविजुअली जांचें कि सही है या गलत है, और दूसरा क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की सही व्याख्या करता है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, आने की संभावनाएं भी हैं, और इस वजह से मैंने ऐसे एक दो क्वेश्चंस इसमें लिए हैं। तो भाई जिन लोग पहली बार ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कथन कारण वाले क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट रहते हैं, ठीक, और
पहले वाले स्टेटमेंट को ये कहता है क्वेश्चन कि ये एक स्टेटमेंट है और दूसरा वाला उसका कारण है, ठीक है। और ऑप्शन में आपके हमेशा ऐसे चार ऑप्शन रहते हैं जिसमें एक बोलता है कि पहला स्टेटमेंट अपने आप में सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। एक ऑप्शन बोलता है कि दूसरा सही है, पहला गलत है। फिर एक कहता है कि दोनों सही हैं और दूसरा वाला पहले वाले का कारण है, मतलब ये जो हुआ वो इसकी वजह से हुआ। पहला स्टेटमेंट इफेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट रीज़न है, कारण है। और एक स्टेटमेंट कहता है, एक ऑप्शन कहता है आपका कि भले ही दोनों सही हैं लेकिन सेकेंड वाला पहले की व्याख्या नहीं करता, मतलब दोनों भले अपने आप में सही हैं लेकिन पहले वाले स्टेटमेंट की रीज़न जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट नहीं है। पहला वाले स्टेटमेंट में जो लिखा है वो इस स्टेटमेंट की वजह से है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आपको इंडिविजुअली जांचना होगा कि ये इंडिविजुअली स्टेटमेंट सही है या गलत। तो अपने आप में ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं वो जांचेंगे, फिर हम देखेंगे अगर दोनों स्टेटमेंट सही आ जाते हैं तो सेकंड वाला पहले की व्याख्या करता है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन, इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से क्वेश्चन को देखिए। देखिए आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये क्यों बता रही हैं, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो देख रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं और इन्हें ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं पता, इस वजह से क्वेश्चन का मैं टाइप बता रही हूँ, ठीक है। तो बहरहाल अब इसमें हम देखते हैं, कथन दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, मतलब कि प्राइस कंट्रोल लागू किया था दिल्ली में। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत बताएं? सही है। उसकी मार्केट कंट्रोल स्ट्रेटजी के तहत उसने कई ऐसे स्टेप्स उठाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसके तहत उसने प्राइस कंट्रोल कर लिया था, इन्फ्लेशन यानी महंगाई को पूरी तरह से काबू में कर लिया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही आया। दूसरा स्टेटमेंट, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। मतलब पहली बात तो ये स्टेटमेंट को जांचें आप कि क्या ये सही है कि उसने दिल्ली में जो राजभवन था उसमें उसके जो कारीगर लगे हुए थे उन्हें वो कम वेतन देना चाहता था, क्या ये बात सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है अपने आप में। ऐसा कुछ भी हमें को फैक्ट जानने को नहीं मिलता। हमें ये समझ में आता है, अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा होगा, मेरा लेक्चर सुना होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि खिलजी ने जब प्राइस कंट्रोल लागू किया तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उसने परमानेंट आर्मी रखी थी, स्थायी सेना रखी थी, और सैनिकों को उसने कम वेतन दिया। कम वेतन में भी लोगों का गुजारा भत्ता चल सके, इस वजह से उसने महंगाई को कम करने के कई कदम उठाए थे। तो उसके जितने ऑफिसर्स थे मिलिट्री में, जितने सैनिक थे, उनको मेंटेन करने के लिए उसने सैलरी कम दी, क्योंकि स्थाई सेना इसके पहले किसी ने नहीं रखी थी। स्थाई सेना रखने की वजह से राजकोष पे भार आता था, लेकिन स्थाई सेना इसको रखना ज़रूरी था अपने युद्ध अभियानों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए, और स्थाई सेना इसने रखा, सैनिकों को इसने नियमित वेतन दिए, लेकिन क्योंकि राजकोष पर भार आता इस वजह से वेतन जो था वो कम दिया इसने, और कम वेतन में लोगों का गुजारा चल सके इसलिए इसने प्राइस कंट्रोल करवाया मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के तहत। तो सैनिकों को मेंटेन करना, उनके सैलरीज को मेंटेन करना, उनकी कह सकते हैं कि उनकी तनख्वाह को कम रखने के लिए उसने प्राइस कंट्रोल किया था, ना कि कुछ ऐसा, ठीक है। तो रीज़न भी अलग था, स्टेटमेंट भी अलग था, कुल मिला कि ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में, ये तो मैंने कथन कारण का क्वेश्चन बताया, लेकिन बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं जो मैच द फॉलोइंग में या सही गलत में आते हैं डायरेक्टली अलाउद्दीन खिलजी से, इसे छोड़कर ना जाए, ठीक। अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, दिल्ली सल्तनत के चार राजाओं के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट बताना है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरज विभाग स्थापित किया, सही है या गलत? गलत। आरज नाम का जो विभाग है जिसको हम दीवान अरज कहते हैं या दीवान आरज कहते हैं, ये एक सैन्य विभाग था जो बलबन ने स्थापित किया था। दीवान अरज को बलबन ने स्थापित किया था, अलाउद्दीन ने नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी, तो क्या दाग पद्धति बलबन की थी? गलत। दाग पद्धति अलाउद्दीन खिलजी की थी।
है ना, जब उसने स्थाई सेना रखा तो हुलिया और दाव दो पद्धतियां उसने लागू की थी ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए, लोगों के और घोड़ों के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो बलबन ने नहीं की थी, ये गलत है। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, सही है या गलत? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन था राजा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक क्या मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा थे? नहीं, चचेरे भाई थे, कजन थे, चाचा के बेटे थे, ठीक है, तो चाचा थे, ये स्टेटमेंट गलत है। और चौथा स्टेटमेंट को भी जांच लेते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, सही या गलत? बिल्कुल सही। देखो, तुगलक वंश में अकबर का पूर्वगामी कहे जाने वाले राजा थे फिरोज शाह तुगलक, और इन्हें अकबर का पूर्वगामी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने बहुत सारे संरचनात्मक विकासात्मक कार्य किए थे, इन्होंने बहुत सारे विभाग बनाए थे जिनमें से एक विभाग था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान, ये दीवाने बंदगान दासों के लिए यानी स्लेव्स के लिए था। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक एक दास प्रेमी थे, इनके पास 1,00,000 से ऊपर स्लेव्स थे, ठीक है, और इन्हीं के मॉरल अपलिफ्टमेंट, इन्हीं के कल्याण के लिए उन्होंने एक विभाग बनाया था दीवाने बंदगान, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही है और हिसाब से हमारा आंसर डी आता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें आप, फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जुंता गुट का सदस्य नहीं था? जुंता गुट क्या था? डिटेल में अगर लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा, मुगल काल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जुंता गुट मुगल कालीन राजा जहांगीर के समय एक गुट था जिसका प्रभाव जहांगीर के निर्णयों पर, राजनैतिक निर्णयों पर पड़ता था, और जुंता गुट की लीडर थी नूरजहां। नूरजहां और उनके फैमिली मेंबर्स का एक ग्रुप था जो काफ़ी प्रभावित करते थे जहांगीर के डिसीजन को, जिसे जुंता गुट कहते हैं। उनकी माता असमत बानो बेगम, उनके पिता मिर्ज़ा गयाज बेग, उनके बेटे खुर्रम और उनके भाई आसफ खान, ये सब और नूरजहां, ये सब मिलकर के जुंता गुट कहलाते थे। तो नूरजहां, उनके माता पिता, भाई और बेटे, ये सब जुंता गुट के मेंबर्स थे। तो हिसाब से गयाज बेग पिता, खुर्रम बेटे, आसफ खान नूरजहां के भाई, ये तीनों ही जुंता गुट में थे, लेकिन जहांगीर स्वयं इस गुट में नहीं थे। इस तरह से पूछ रहा है कि जुंता गुट में कौन मेंबर नहीं था, तो आंसर होगा ए, जहांगीर, ठीक है, क्लियर विद दैट। चलो क्वेश्चन 12 में मूव ऑन करते हैं। अब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने आपको पढ़ाते वक्त कई बार ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में भी बताए कि भाई तो कई तो एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कला संस्कृति प्रशासन साहित्य से रिलेटेड, जो बहुत फेमस क्वेश्चंस भी हैं, और ये आए हुए हैं क्वेश्चंस कई बार, इसलिए मैंने बताया इसमें ज़्यादा चीज़ें एनालिसिस की नहीं होती, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगज़ेब की दक्षता थी? हम जानते हैं औरंगज़ेब शरे कानून के तहत संगीत को उसने प्रतिबंधित करवाया था, लेकिन स्वयं वो एक बहुत ही अच्छा वीणा वादक था, वीणा वादक, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। तो औरंगज़ेब बहुत अच्छा वीणा वादक था, लेकिन उसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि वो शरिया या इस्लामिक लॉ के खिलाफ था, ठीक। दसवंत बसावन ये चित्रकार किस मुग़ल सम्राट के दरबार में थे? बताएं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जितने भी चित्रकार साहित्यकार मुग़ल दरबार में थे, कौन सी किसने रचना लिखी, ये सब आपको पढ़ना रहता है। अलग से एक आप लिस्ट बना लीजिए चित्रकारों की, साहित्यकारों की, मुग़ल कालीन स्थापत्यों की, ये तीन तो आप कम से कम आप लिस्ट बना लें, ठीक है। तो दसवंत और बसावन अकबर के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के दरबार में। हालांकि चित्रकार शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जहांगीर आता है, क्योंकि जहांगीर के काल को हम चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन एरा ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग, क्योंकि अब्दुल मंसूर, अब्दुल हसन, इस तरह के बहुत बड़े बड़े उस वक्त चित्रकार को इन्होंने अपने दरबार में जगह दी थी। जहांगीर स्वयं एक चित्रकला प्रेमी थे और उन्होंने चित्रकला के लिए अलग से एक विभाग बनाया था, ठीक है, और जहांगीर के समय में चित्रकला का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पहले के जो मुग़ल बादशाह थे उनके दरबार में कोई बड़े चित्रकार नहीं थे,
तो डेवलपमेंट भले सबसे ज्यादा जहांगीर के समय में हुआ, लेकिन कुछ और चित्रकार थे जो अकबर के टाइम, शाहजहां के टाइम पे भी मौजूद थे, उनके भी नाम आप लिख लें, जिसमें से दसवंत और बसावन अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो आंसर होगा ए, अकबर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, अनवायरे सुहाइली नामक ग्रंथ इनमें से किसका अनुवाद है? आप जानते होंगे मुगल काल में बहुत सारे पौराणिक हिंदी ग्रंथों का अनुवाद किया गया। उपनिषदों का अनुवाद हम जानते हैं सिर्रे अकबरी नाम से दारा शिको ने किया, ऐसे ही रामायण, महाभारत, पुराण सबके अनुवाद हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि अनवायरे सुहाइली नाम का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसका अनुवाद ये नाम है, पर्शियन अनुवाद। अनवायरे सुहाइली एक पर्शियन ग्रंथ है जिनमें से किसी एक का पर्शियन वर्जन है। कौन सा आंसर? आंसर है ए, पंचतंत्र। पंचतंत्र, पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा ने गुप्त काल में लिखी थी, उसे पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया और नाम रखा गया अनवारे सुहाइली। ठीक है, पंचतंत्र जो एक जो जानवरों के ऊपर एक फोकलोर है, ठीक है, एक फेबल है कह सकते हैं, जानवरों के ऊपर एक फेबल है, फोकलोर नहीं है, फेबल है, उसको ओरिजिनली विष्णु शर्मा ने लिखा था गुप्त काल में, आपने गुप्त साहित्य में पढ़ा है इसे, लेकिन इसे पर्शियन में अनवायरे सुहाइली नाम से ट्रांसलेट करवाया गया। और ये काम अकबर के मक्ताब खाने के दौरान हुआ था, अकबर के समय में हुआ था, याद रखने। अकबर ने ही ना रामायण, महाभारत इन सबका भी ट्रांसलेशन मक्ताब खाने के अंतर्गत करवाया था। तो पंचतंत्र का, महाभारत का, रामायण का सबका ट्रांसलेशन इसने मक्ताब खाना नामक एक साहित्यकारों का ग्रुप था उनके जरिए करवाया था। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे महाभारत को इसने जब पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया तो उसका नाम इसने रखवाया रज्मनामा, रज्मनामा। ठीक है, तो ये भी किसी एक साहित्यकार का इसमें नाम नहीं आता। अकबर के समय महाभारत का पर्शियन में ट्रांसलेशन रज्मनामा उसके मक्ताब खाने के अंतर्गत साहित्यकारों के गुट ने किया था। बिल्कुल ऐसे ही पंचतंत्र को अनवारे सुहाइली नाम से ट्रांसलेट किया गया था, कोई एक साहित्यकार का मेनली नाम इसमें नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे बदायूनी के वक्त जो भी हुआ, ठीक है, अच्छा ये जो ट्रांसलेशन है उसमें एक नाम रामायण महाभारत में बदायूनी भी आता है, लेकिन उसमें आप ये देख लेंगे किसको बदायूनी ने किया था, किसका क्या नाम था। अकबर के समय बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए थे, मुगलकालीन साहित्य की एक अलग से लिस्ट आप बनाएंगे, एक तो सारे राजाओं की बायोग्राफीज, अकबर नामा किसने लिखा, जहांगीर नामा किसने लिखा, तुजू के बाबर किसने लिखा, तुजू की जहांगीरी किसने लिखा, आत्मकथा तो जाहिर सी बात है समझ में आ जाती, लेकिन आत्मकथा किस लैंग्वेज में थी, फिर पर्शियन में ट्रांसलेशन जब बायोग्राफी लिखी गई तो किसने लिखा, जैसे अक्सर हुमायूं नामा की जो लेखिका है गुलबदन बेगम उनका नाम आता है, दो तीन क्वेश्चन कई बार मैंने उससे देखे हैं। तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक के जो बायोग्राफीज लिखी गई उन्हें तो आप पढ़ेंगे ही, उसके अलावा जो ग्रंथों का ट्रांसलेशन हुआ है उनके भी नाम आप देखेंगे। ठीक है, तो साहित्य, मुगलकालीन साहित्य की अलग से लिस्ट बनाइए, चित्रकारों की एक लिस्ट बनाइए, स्थापत्यों की भी एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे फैक्चुअल, अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से आ जाता है मॉडर्न इंडिया। जो अगला वीडियो होगा आपका हिस्ट्री का, उसमें भी ऐसे ही मिक्स बैग रहेगा, कुछ एंशंट के, कुछ मिडिवल के और कुछ मॉडर्न के। मॉडर्न इंडिया में यहाँ पे कुछ गवर्नर जनरल्स के नाम लिखे हैं और उस वक्त उन्होंने कौन सी इनमें से नीतियाँ या योजनाएँ या एक्ट वगैरह लाए थे, या उनके वक्त समय में समकालीन क्या हुआ था वो देख लिखा है, और आपको इसमें पूछा है कि इनमें से क्या सही सुमेलित है, इनमें से करेक्टली कौन सा मैच्ड है, गवर्नर जनरल उनके समय हुए जो घटनाएं हैं उसको आपको करेक्ट इनमें से कौन सा बताना है, मतलब बाकी के तीन गलत होंगे, कोई एक सही सही मैच होगा। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, दिस इज इल्बर्ट, ल है ये, इल्बर्ट बिल। तो गवर्नर जनरल की एक अलग से पूरी लिस्ट दी थी मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में, इसका अलग से लेक्चर तो नहीं था, लेकिन जब मैं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बता रही थी उस वक्त कुछ कुछ चीज़ें मैंने गवर्नर जनरल की आपको बताई थी, और उसके अगले एक दो लेक्चर के बाद मैंने
पीडीएफ भी अटैच करके दिया था। जितने लोग लाइव चैट्स उस वक्त जुड़े थे वो ये जानते हैं, लेकिन जितने लोगों ने उस वक्त बाद में वो नहीं देख पाए थे, मैंने लाइव चैट में से बोला था आप सारे पीडीएफ चेक करिए मॉडर्न इंडिया के, उसमें ही आपको जब भी ये आता है, मतलब स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर जब होते हैं मॉडर्न इंडिया के, उसके बाद क्या पीडीएफ चेक करेंगे, वहाँ पर आपको गवर्नर जनरल की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किन के समय में क्या हुआ था। ठीक है, तो ऐसा है भाई, पिट्स इंडिया एक्ट अगर हम देखें तो याद है 1773 में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में आया था, और इल्बर्ट बिल जो है 1883 में आया था। तो अगर आपने सभी जो 38-40 मैंने गवर्नर जनरल की लिस्ट दी थी उसका टाइम पीरियड अगर आपने देख पूरा याद किया होगा तो ये आंसर आसानी से बना लेंगे। अगर उतना भी आपको याद नहीं, लेकिन अगर उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का आपने ऐसी थ्योरेटिकली भी पढ़ा होगा तो भी बना लेंगे। देखो एक एक करके देखते, पिट्स इंडिया एक्ट 1773 में आया था और इसके जरिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और इस तरह से पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ही था। तो जाहिर सी बात है उस वक्त वॉरेन हेस्टिंग का काल था जब ये एक्ट आया। ठीक है, तो ये सही सुमेलित है। अच्छा, क्वेश्चन आपको सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आई रेक्टिफाई में मिस्टेक, नहीं है पूछ रहा है ना, ठीक है, उसको पकड़ के मत बैठ जाना। तो नहीं ये पूछ रहा, मतलब इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं होगा, बाकी तीन होंगे। पहला वाला है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट मैचिंग पूछ रहा है। तो पहला वाला तो है। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में डलहौजी ने लाया था। डलहौजी ने जो व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति लाई थी उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आप कहेंगे मैम आपने ये क्यों नहीं लिखा हिंदी में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्यों लिखा? एक्चुअली ना ओरिजिनल नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही कहा गया, और यूपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन पूछा था हिंदी में, जब ट्रांसलेशन किया तो उसने ऐसे ही लिखा था। तो हिंदी वाले इस उसमें ना रहे हैं कि भाई पूरे हर चीज़ का हिंदी में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मिलेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही उठा करके पूछ दिया जाता है। ओरिजिनल नीति का नाम आपका रिंग फेंस था तो वो रिंग फेंस ही लिख सकता है, ओरिजिनल नीति का नाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उसके अलावा वेले जिले की ओरिजिनल नीति का नाम आपका सब्सिडरी अलायंस था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, रिंग फेंस, ऐसे वर्ड को भी सीधा सीधा हिंदी में लिख सकते हैं क्योंकि ओरिजिनली उन लोगों ने, अंग्रेजों ने उसी नाम से पॉलिसी लाए। ये तो हम अपने पढ़ने के लिए उसको ट्रांसलेट करते हैं, समझना। तो हिंदी वाले भी इंग्लिश के इन वर्ड्स को ध्यान में रखना, कई ऐसे जो ओरिजिनली इंग्लिश में आए थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम हड़प नीति को कहते हैं, 1838 में रियासतों को हड़पने के लिए डलहौजी ने लाया था, तो ये भी सही है। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन पे, लॉर्ड कर्जन तो 1905 में था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। अगर आप कर्जन का टाइम पीरियड नहीं पता तो इतना तो पता होगा ना कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, और बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में, यानी उसी के आसपास ये रहा होगा। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था तो ये नहीं हो सकता मैच। ठीक है, चलो उस पर हम रोकते हैं, पहले लास्ट वाले को देखते हैं, इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल 1883 में आया था और उस वक्त रिपन था, ये बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हमारा आंसर सी होता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, मतलब ये गलत मैच है, और क्योंकि मैच नहीं है हमको बताना है इसलिए आंसर होगा सी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब सुने समझे, वर्नाक्यूलर मतलब ना स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषाओं में जितने भी प्रेस के आर्टिकल्स आते थे, यानी कि मैगजीन, सर्कुलर, न्यूज़पेपर वगैरह, उस पर प्रतिबंध लगाने का एक एक्ट सन 1878 में आया था। स्थानीय भाषाएं, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में, ना हिंदी ना इंग्लिश, ऐसी रीजनल लैंग्वेज में जो भी न्यूज़पेपर आते थे उस पर प्रतिबंध लगाने का ये एक्ट आया था। बहुत कुख्यात हुआ था लॉर्ड लिट्टन इस वजह से, लिट्टन के समय में 1848 में एक्ट आया था जिसके जरिए उन्होंने खासतौर पर ईश्वरचंद विद्यासागर की सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। सोम प्रकाश एक वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में आता था और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा, सोम प्रकाश ने लोगों ने में एक संचार किया था देशभक्ति की भावना का अंग्रेज़ों के खिलाफ, इस वजह से लॉर्ड लिट्टन ने इस सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
लाया था, ठीक है। और इसके ज़रिए ना सिर्फ सोम प्रकाश बल्कि इस तरह की और जितनी मैगजीन और न्यूज़पेपर थे वो सभी पर प्रतिबंध लग गया था। तो लॉर्ड लिट्टन और रिपन ना आगे पीछे थे, पहले लिट्टन एक विलन टाइप का गवर्नर जनरल, फिर रिपन एक पॉजिटिव जो इंडिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। तो लिट्टन जो है उन्होंने, आप जानते हैं सिविल सर्विसेज में एज जो है मैक्सिमम एज जो है उसको 21 से घटाकर 18 साल कर दिया, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में एज को घटा दिया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, ऐसे बहुत सारे काम किया जो भारत विरोधी थे। जबकि लॉर्ड रिपन जो है इसके जस्ट उलट कुछ इसने ऐसे काम किया जो भारतीयों के पक्ष में था, इसलिए भारतीय काफ़ी पसंद करते थे। जिसमें से एक काम था इल्बर्ट बिल लाना। इल्बर्ट बिल जो है ये रिपन के वक्त ही आया था, और इल्बर्ट बिल की वजह से ही श्वेत विद्रोह भी हुआ था। आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होगी अगर आपने PDF पढ़ा था। तो इल्बर्ट बिल में ऐसा था 1883 के इस बिल में कि जो भारत के भारतीय मूल के जज हैं उनको ये अनुमति दी गई थी कि वो अंग्रेज़ों के भी केस की सुनवाई कर सकें। नहीं समझ में आया? देखो, इस बिल के पहले जुडिशरी में इंडियंस को एंट्री तो थी, पर जुडिशरी में जो भारतीय जज बनते थे अंग्रेज़ों के किसी भी मामले में वो लोग जजमेंट नहीं देते थे, ना किसी अंग्रेज़ी अभियुक्त को उनके सामने खड़े करवाकर उनके लिए सुनवाई नहीं होती थी, उनको कोई पनिशमेंट देने का अधिकार भारतीय जज को नहीं था। लेकिन इल्बर्ट बिल में बोला गया कि अब ऐसा हो सकता है, कोई भारतीय जज किसी अंग्रेज़ को भी सज़ा सुना सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। ये कहा गया तो जिस पर से अंग्रेज़ भड़क गए थे, और इस वजह से श्वेत विद्रोह यानी वाइट रिवॉल्यूशन इल्बर्ट बिल के अगेंस्ट हुआ था। मतलब ये भारतीयों के फेवर में था ना कि हम अंग्रेज़ों की सुनवाई कर सकते हैं जो जज के पद पर है। तो रिपन के समय बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चीज़ें हुई थी, ठीक, जिसमें से इल्बर्ट बिल बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जिस वजह से श्वेत विद्रोह हुआ था। ईयर भी पूछा था एक बार 1883, ठीक है, PSC में पूछा था, क्लियर। तो ये बिल्कुल सही है, और इस हिसाब से इकलौता जो मैच नहीं है वो है सी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, क्योंकि वो लिट्टन के वक्त आया था ना कि कर्जन के वक्त, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी एक व्यापम के पेपर में आया था इसलिए मैंने डाला, और ये मॉडर्न रिनासा से है, मतलब कि आधुनिक भारत के पुनर्जागरण से संबंधित है, जिसमें हमने भक्ति आंदोलन के जिसके तहत हमने ब्रह्म समाज, उसके अलावा आर्य समाज वगैरह पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट पूछा है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, बताएं, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, M.G. चंद्राकर या M.G. रानडे, बताएं। इसका आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने ही महाराष्ट्र में 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, भारतीय पुनर्जागरण के तहत, जब ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसे भी दूसरे और समाज आए थे या दूसरे संगठन आए थे जो भारत में कुछ सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे, उसमें इनका भी योगदान था, ठीक है। तो ये सिर्फ एक इंडिकेटिव क्वेश्चन था, अभी पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन इस सेक्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बताने का मेरा मेन मकसद था इस क्वेश्चन के ज़रिए, ठीक है। तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, उसके अलावा मोमेडन एंग्लो इंडियन सोसाइटी, मोमेडन जो सोसाइटी थी ये, और उसके अलावा जितने भी आपके जैसे कि सत्यशोधक समाज हो गया, या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हो गया, या फिर कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो गया, यानी दलित उत्थान आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन, ये जितने भी हुए थे ना, इनके लिए जो संगठन बने थे उनके प्रतिपादकों के नाम और उन संगठनों ने किस वर्ष, यानी किस वर्ष वो संगठन बना था, उसे आप ज़रूर देख ले, ठीक है। जैसे हम ब्रह्म समाज का पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय, फिर वो कब बना था 1828, ऐसा कम से कम आप एक लिस्ट बना करके रखें। वैसे आर्य समाज की, रामकृष्ण मिशन की, आपको ये लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है उसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो मिलेंगी आपको, उसी में ये भी दिया हुआ है कि प्रार्थना समाज के मेन उद्देश्य क्या थे, और उसमें आत्माराम पांडुरंग का, महादेव गोविंद रानाडे का, इन सब का क्या योगदान था, ठीक है। तो कुल मिला के फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा फिलॉसफी में नहीं जाना है, कब संगठन बना, कौन प्रतिपादक थे, इनके मेन उद्देश्य क्या थे, क्या कार्य इन्होंने किया, ये 3-4 चीज़ों से आप ये जो आधुनिक भारत के सोशल रिफॉर्म से सामाजिक सुधार आंदोलन उनको आप पढ़ेंगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इजी, बेसिक और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। 1857 में 57 के जितने लीडर्स थे वो कौन कौन से क्षेत्र से थे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बदल बदल के हमेशा आते ही रहता है, ठीक है। उन्हीं में से एक क्वेश्चन मैंने डाला है, आया हुआ क्वेश्चन है,
कि झांसी से किसने लीड किया था 57 की क्रांति को, लखनऊ से, कानपुर से और फैजाबाद से। तो चलिए फटाफट बनाते हैं इसको। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कानपुर देखें तो बताए कानपुर से कौन था, कानपुर से थे अजीमुल्ला शाह, कानपुर से थे अजीमुल्ला शाह, और फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। फैजाबाद से मैंने पढ़ा है मौलवी अहमदुल्ला शाह बैटल ऑफ चिन्हक लड़ी थी इन्होंने, तो वो फैजाबाद से थे। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति वाली लिस्ट अगर आपने याद कर ली होगी तो बना लिया होगा। तो 4321, 4321 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। मैच द फॉलोइंग, जैसे कि मैं बार बार दोहरा रही हूँ, बहुत फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री का, पीएससी पूछता ही एक आध क्वेश्चन ऐसा, ठीक। और 57 की क्रांति के अलावा इसके समकक्ष जितनी दूसरे और क्रांतियां हुई थी, जितने और आंदोलन हुए थे, उसके भी लीडर्स के नाम आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। कहाँ पर हुए थे वो आंदोलन, कौन सा संगठन बना था, कौन उसका लीडर था और क्या उद्देश्य था, ये आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी, पूछा। हमने पढ़ा है ना कि जब साइमन कमीशन का हमने विरोध किया, तब अंग्रेजों के चैलेंज था हमको, अंग्रेजों का चैलेंज दिया था हमको कि आप फिर एक ऐसा रिपोर्ट जारी करिए, अगर आपको साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है तो आप खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए या कुछ लोगों की कमेटी बनाइए और आप खुद वो ही काम करिए जिसके लिए हमने साइमन कमीशन को भेजा है। अंग्रेजों ने हमें ये चैलेंज दिया था और इसी वजह से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिन्होंने वही काम किया जो साइमन कमीशन करने वाला था, है ना। और इन्होंने भी भारत में फ्यूचर में क्या प्रशासनिक सुधार होने चाहिए उसकी एक रिपोर्ट बनाई थी, और ये हुआ था 1928 में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में, 1928 में मोतीलाल नेहरू, है ना। तो मोतीलाल नेहरू ने लाई थी नेहरू रिपोर्ट 1928 में। तो उन्होंने जो अनुशंसाएं की उनके कुछ पॉइंट्स दें, और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी अनुशंसा थी, आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सी अनुशंसा थी। पहला पॉइंट है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, तो क्या नेहरू रिपोर्ट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की कोई बात थी, नहीं। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग इन्होंने करी थी, डोमिनियन स्टेटस, ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था नेहरू रिपोर्ट का। हम औपनिवेशिक स्वराज चाहते थे ना कि पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग तो एक साल बाद 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाला, उस वक्त पूर्ण स्वराज की मांग आई थी। 1928 में तो कोई ऐसी मांग थी ही नहीं, तो इस वजह से ये जो पहला पॉइंट है ये गलत है, नेहरू रिपोर्ट में ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, जी हाँ ये था, ठीक है। ये वाली बात इन्होंने कही थी कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए एक संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, ना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र जैसे कि पहली व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों की बात इस टाइम से ही चल रही थी 1931 का, फिर जब कराची अधिवेशन हुआ फिर आधिकारिक रूप से उसकी बात कही गई कि मौलिक अधिकार में ऐसा ऐसा होगा, तो मौलिक अधिकारों की बात इसमें कही गई थी। तो पहला वाला बस ऑप्शन गलत है, सेकेंड और थर्ड सही है, और इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन 18 का आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है, पहला गलत, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में मूव ऑन करते हैं, ये भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है, और पहला आपका स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधित्व किया। दूसरा स्टेटमेंट है गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित हुआ। मतलब पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें कांग्रेस जो है उसको रिप्रेजेंट किया था नेहरू जी ने, और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था इसी के तहत ये तय हुआ था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, तो समझौते के तहत ये तय हुआ था, ये सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है। और पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस गई थी तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बताएं भाई क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है,
5 मार्च 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन, जो इस वक्त के वायसराय थे, उस वक्त के वायसराय थे भारत के, उनके बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था, है ना, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों की कई शर्तें मानी थी और लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की कई शर्तें मानी थी। आपको याद होगा, इसी को मैंने रिलेट किया था 23 मार्च को जो भगत सिंह और उनके सहयोगी को साथ फांसी हुई थी, उसको मैंने रिलेट किया था कि इसमें गांधी जी ने एक ये भी शर्त मानी थी, हमें कोई एक शर्त रखी थी कि बाकी भारतीयों को छोड़ दिया जाए सिवाय उनके जो हिंसा में लिप्त है, याद है, और इस वजह से लॉर्ड इरविन ने उनको जल्दी से फांसी दिलवा दी क्योंकि गांधी इरविन समझौते में उनको छोड़ने की कोई बात नहीं की गई थी, याद है, ये वही समझौता। तो ये हुआ इसलिए था क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और अंग्रेज इससे काफ़ी परेशान थे। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया था, कांग्रेस ने बहिष्कार किया था और अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट करे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो जब ये समझौता हुआ और दोनों तरफ से गांधी और इरविन ने कुछ कुछ शर्तें मानी, तो उसमें गांधी जी ने लॉर्ड इरविन की ये शर्त मानी थी कि हम जो अगला गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें भाग लेंगे। तो उसी वजह से जब 1931 5 मार्च को ये समझौता हुआ, फिर 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ सेकेंड वाला, तब कांग्रेस गई थी। तो इसमें ये तय हुआ था, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि जब सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस में कांग्रेस गई तो उसका प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था, ना कि नेहरू जी ने। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ए गलत है, आर सही है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी, ए गलत है परंतु आर सही, ये है आपका करेक्ट आंसर। आई होप अब तक आप समझ गए होंगे कि कथन कारण के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन होंगे जो अगली हिस्ट्री की क्लास में मैं बताऊंगी आपको, कथन कारण, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन 19 हुआ, अब मूव ऑन करते हैं हम आखिरी क्वेश्चन पे आज के सेशन के। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया, क्या ये सही है? नहीं। राजकुमार शुक्ल नाम के एक कृषक थे जिन्होंने गांधी जी के भारत भ्रमण के दौरान उनसे मुलाकात की और उन्हें चंपारण में तीन काठिया प्रथा की जो अपनी पीड़ा है उसे बताया, और राजकुमार शुक्ल ने ही बताया था कि हम वहाँ पर एक आंदोलन करना चाहते हैं और गांधी जी को उन्होंने ही इनवाइट किया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, राजकुमार शुक्ल ने किया था, इस वजह से स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, चंपारण जांच में आचार्य जे बी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, सही या गलत? सही। एक्चुअली चंपारण के इस पूरे आंदोलन में ना सिर्फ जे बी कृपलानी बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों ने ही गांधी जी का सहयोग करा था, उसी एरिया के थे ये लोग, और इस वजह से ये दोनों का भी नाम गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में आता है, ठीक है। तो जब जांच हो रही थी तो गांधी जी का सहयोग जे बी कृपलानी ने भी किया था, राजेंद्र प्रसाद ने भी किया था, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, बस बुलाया उन्हें एक किसान राजकुमार शुक्ल ने था, वो नाम अलग से याद रखेंगे, बाकी सहयोगियों में इन दोनों का नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही, और इस हिसाब से आपका आंसर जो है वो हो जाता है बी, केवल दो, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्लियर। सो दैट इज इट, इतने ही क्वेश्चंस थे जो आज के सेशन में मुझे डील करने थे। मैंने 20 क्वेश्चन लिए, थोड़े ज़्यादा लिए ताकि आपको हर वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता सकूं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कल भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ से आपको टॉपिक का अंदाज़ा होगा, अपने आप में वो क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए एग्जाम्स में, मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ ऐसे लिए हैं जो प्रोबेबल रहता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उनको जो भी टॉपिक से क्वेश्चन है उस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ें, उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे MCQs भी आप ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। तो अगली एक और हिस्ट्री का MCQ सेशन होगा और उसमें भी ऐसे ही 20 क्वेश्चन होंगे, होप आपको वो भी बेनिफिट करेगा। थैंक यू सो मच।